नमस्कार, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कला संवाद के बारे में। जी हां, 4 जनवरी से 8 जनवरी तक होने वाले 20वें कला मेले के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विन एम दलवी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। राजस्थान के जाने माने कलाकार, वरिष्ठ कलाकार श्री चिन्मय मेहता जी, साथ में मैं स्वागत करूंगा विनय शर्मा जी का, जिनसे सभी परिचित हैं। इनके पास में बैठे हुए हैं महावीर भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और हेमंत जोशी जी, उनके साथ में बैठे हुए हैं श्री चंद्र प्रकाश जी। तो आप तमाम कलाकारों का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि कला व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ज़रूरत है उस कला को पहचानने की, और उस कला का कौन पहचानेगा, आप और हम पहचानेंगे। लेकिन अब 4 तारीख से जो 8 जनवरी के बीच में कला मेला आयोजित किया जा रहा है, उसमें हम जानेंगे कि किस तरह के कलाकार आगे आएंगे, किस तरह की कला जो है वो आगे आएगी, और मुख्य रूप से किन उद्देश्यों को लेकर ये मेला जो है आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं दलवी साहब से जानना चाहूँगा कि 4 जनवरी से जो 8 जनवरी तक आयोजित होने वाला जो कला मेला है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो कला संवाद कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आपने बताया, 4 से 8 जनवरी 2018 रविंद्र मंच जयपुर में कला मेले का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन अकादमी का एक मुख्य आयोजनों में से एक है। वर्षों से अकादमी इस आयोजन को करती आ रही है, और हर बार अकादमी का प्रयत्न रहता है कि उसमें नवीन आयाम जुड़ें, और वैसे ही इस बार भी हमने सोचा कि कुछ नवीनता आए, कुछ भव्यता आए, उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रयत्न किए। मुख्य रूप से उसमें क्या नवीनता लाना चाहते हैं आप, किस तरह की नवीनता, क्या कलाकारों में कुछ नया करने का प्रयोग जारी है, क्या कर उन सबसे पहले तो मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कुछ बॉडीज़ को जिन्होंने इस कला मेले में सहयोग किया। बहुत सारी अलग अलग अकेडमीज़ हुई, उन्होंने इस कला मेले में साथ में मिलकर काम करना का इरादा किया, और वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज ही जिसकी मुझे एक सूचना मिली, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ, कि केंद्रीय ललित कला अकादमी ने साथ में, राजस्थान ललित कला अकादमी के साथ सहयोग किया है इस कला मेले में, जो कि एक अपने आप में एक नवीन चीज़ उभर के आई है। इससे पहले मेरे को नहीं लगता कि केंद्रीय ललित कला अकादमी ने इस तरह का कोई सहयोग किया हो। और इसके अतिरिक्त रविंद्र मंच परिसर, जिसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा परिसर हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उन्होंने हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया, जिसके अंतर्गत गुलाबो जी वहाँ पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, जिन्होंने 8 कैंप स्पॉन्सर किया है, 6 आर्टिस्ट वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनके माध्यम से 6 आर्टिस्ट वहाँ पर आएंगे और 8 कैंप करेंगे। इसी के साथ वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, जो 10 आर्टिस्ट का कैंप वहाँ पर करवाना चाह रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, ब्रजभाषा, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये सब अकादमीज और जोनल सेंटर्स और ICCR, ये सब मिलके इस कार्यक्रम को में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये सबसे नवीन चीज़ मुझे इसमें लगती है, और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय ललित कला अकादमी उसका सीधा सीधा सहयोग हमें इस कला मेले के दौरान मिल रहा है। मैं वरिष्ठ कलाकार जो चिन्मय मेहता जी हैं, उन्होंने बहुत से कला मेले आयोजित भी किए हैं, बहुत से कला मेलों में आपने भाग भी लिया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपने मेले देखे हैं। आप क्या समझते हैं कि जैसा कि दलवी साहब ने बताया, क्या कुछ नया है या कुछ हो सकता है और नया, आप बताएं। असल में पहला तो मुझे ये लग रहा है कि जब दलवी साहब ने ज्वाइन किया था तो कुछ लोगों को ये थोड़ी आशंका थी कि आप विजुअल आर्ट से नहीं हैं, ये संगीत कला से संबंधित हैं। तो मेरा ये सोचना है कि ललित कला जो शब्द है वो तो सभी कलाओं के लिए एक ही शब्द है,
इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द आर्ट्स। तो ये बात अच्छी लग रही है कि अभी इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि सचमुच हम ललित कला की तरफ जा रहे हैं। ये इस प्रकार का ये जो बाइफरकेशन हुआ है ना, ये फाइन आर्ट है, विजुअल आर्ट है, ये परफॉर्मिंग है, ये धीमे धीमे टूटने जा रहा है, अनेक विधाओं को एक स्थान पर लाकर इकट्ठा करने की कोशिश की हो रहा है। और ये तो पहली बार हो रहा है जी कि हम विजुअल आर्ट से बाहर निकले, कि डांस भी हो रहा है, फोक डांस भी हो रहा है, क्लासिकल भी हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो और अच्छी जो मुझे लग रही है कि इस बार पहली बार हम लोगों ने सिंपोजियम भी बहुत अच्छे स्तर की प्लान की है। बाहर से बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आ रहे हैं और अलग अलग विषयों पे वो अपनी अपनी बात करेंगे। फिर मैंने और देखा अच्छे से कि एक टॉक शो हो रहा है। तो होता है कभी कभी, अक्सर ही होता है कि जब बातचीत होती है तो कुछ विशेषज्ञ अपनी अपनी बात करके और फ्लाई कर लेते हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि ये टॉक शो में क्या है कि जितने भी सरोकार हैं, जितने लोगों को भी कला से सरोकार है, वो आकर के अपनी बात कह सकती है, खुला मंच होगा ये। देखिए, जिस तरह दलवी साहब ने भी कहा और चिन्मय मेहता जी ने भी कहा कि इसमें बहुत से जो कलाएं हैं उनको समाहित करके पहली बार इस तरह का आयोजन, चार दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ललित कला अकादमी का जो ये कार्यक्रम है इसमें दूसरे लोग हावी हो जाएं, चाहे संगीत है चाहे दूसरी विधाएँ हावी हो जाएँ, और जो चित्रकला है जो ललित कला अकादमी का मुख्य जो काम है वो कहीं ना कहीं दब जाए, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चित्र भी शब्दों के गूंज से बनता है, चित्र ऐसे ही नहीं बनता है। जब कई सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं तब जाकर कहीं एक रेखा के माध्यम से आपका जो कहीं ना कहीं एक संगीत का पार्ट होता है, चित्र भी संगीतमय होते हैं जी। तो जब कलाओं का अंतर संबंध होता है तब कोई चीज़ और अच्छी उभर कर आती है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का असर दृश्य कला पर भी पड़ता है। तो मैं नहीं मानता कि कलाएं अलग अलग होती है या कोई कला किसी कला को नुकसान करती है। संगीत के आने से निश्चित रूप से ये कला मेला और ऊंचाई लेगा, इसमें कोई शक नहीं। असल में जो विधाएं भी जो है ना, हम आजकल आप देखेंगे कि पहले एग्जीबिशंस में सिर्फ पेंटिंग लगती थी जी, पेंटिंग और स्कल्पचर लगते थे। अभी क्या हो रहा है कि वो जो बाउंड्रीज थी कि ये पेंटिंग है ये स्कल्पचर है, वो धीमे धीमे सब अबैंडन हो रही है। नहीं, उसमें संगीत भी आ गया। नहीं नहीं, अभी जो परफॉर्मिंग आर्ट को इकट्ठा करके अभी एक नई सिलसिला चला है परफॉर्मिंग आर्ट का, उसने तो विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट की दीवार भी तोड़ दी। महावीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप युवा कलाकार हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे? कला मेला इस बार जो हो रहा है इसमें काफी भिन्नताएं अपने को देखने को मिल रही है। एक तो इसमें की मोस्टली इसमें जो कलाकार जुड़ रहे हैं यूथ है और उनको ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और उसमें इस बार स्टॉल की जो संख्या है वो बहुत सबसे ज़्यादा रखी गई इस बार, तो सभी को मौका मिलेगा। और इसमें सभी अकादमियाँ सहयोग कर रही है, तो संगीत भी है, नाट्य भी है, विविधताएँ मिलेंगी सभी अकादमियों की ओर से, और कला का एक पूरा माहौल मिलेगा वहाँ पे। टॉक शो भी है, पेंटिंग भी है, कैंप भी चल रहा है, नृत्य नाटिका भी होगी, तो इस हिसाब का जो कला मेला इस बार में अनोखा। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि अगर कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करता है तो कहीं ना कहीं उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण भी रखना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो आयोजन या मेले होंगे उससे कलाकार को आर्थिक फायदे भी मिलेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, इस बार हमने इसके लिए स्पेशल प्रयास किया है। सरकार की जितनी बॉडीज हैं उनको भी हमने मतलब इसके लिए विशेष रूप से पत्र लिखे गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आर्थिक जो है ना वो तो पक्ष आता ही आता है आर्टिस्ट को, क्योंकि अगर वो उसको अगर मजबूत नहीं होगा तो आगे काम नहीं कर पाएगा। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सी बार ये भी देखा गया कि इस तरह के चाहे ललित कला एकेडमी मेला लगा रही है या दूसरी जो निजी संस्थाएं हैं वो भी इस तरह के आयोजन करती रहती हैं, तो उसमें ये देखा गया कि कलाकार को जितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए या जितना जो मेहनत होती है उसका कुछ अंश उसके पास जाता है, बाकी सारा जो अंश है वो दूसरी संस्था या उनके पास चला जाता है। तो आप एक युवा कलाकार हैं, आपकी क्या सोच है इस पर? वो तो जाता है, लेकिन ललित कला का जो हमारा प्रयास है, अगर कोई पेंटिंग बिकता है तो शायद 10% हम लोग उसमें लेते हैं और लोग 30-40-50% लेते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और सेकंड, ये जो मेला है इसमें 50-60 कलाकार जो स्टेट अवार्डी हैं जो कभी किसी कला मेले के पार्ट नहीं बने, वो पहली बार पार्ट बने और पूरे हक के साथ। और इससे अच्छा कला मेला अभी जो माहौल है
आज तक नहीं हुआ और आगे होगा तो हम लोग ही करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कला मेला है वो बहुत बेहतर तरीके से हो, बहुत सफल हो। लेकिन दलवी साहब, मेरे एक सवाल और जहन में आ रहा है, कुछ कलाकारों से मेरी मुलाकात होती रहती है तो उनका कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान ये भी होता है कि जो भी एकेडमी का अध्यक्ष होता है वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देता है, यानी कि गुटबाजी का एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आप इस गुटबाजी को, इन कलाकारों की जो सोच है उसको कैसे बदल पाए? आपको यही वाक्य मेरे बनने के बाद सुनने को मिला क्या? नहीं, ये पहले से सुनता रहा हूँ मैं। इसमें क्या आप परिवर्तन कर रहे हैं, क्या लोगों को एकजुट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल तो बना रहता है। हाँ। लेकिन आपसे, आप खुद युवा हैं, आप खुद सारी चीजें समझते हैं, आपने खुद ने देखा परखा है, आप खुद कला से जुड़े हुए हैं, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आप इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, गुटबाजी महज एक वहम है। जहाँ जब मैं आया हूँ यहाँ पर, मैंने देखा तो ऐसा मुझको कुछ दिखाई नहीं दिया। सब लोग अपना पार्टिसिपेशन जोश के साथ में कर रहे हैं। कहीं कोई मुझे ऐसा, कभी कभी कुछ ऐसी अफवाहें भी हो जाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि बहुत से वरिष्ठ कलाकार हैं जो दरकिनार भी कर दिए जाते हैं। आप सोचिए ना, अभी इन्होंने बताया, चंद्रशेखर जी ने बताया, हमारे 25 जो कलाविद हैं वो सबकी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे सीनियर आर्टिस्ट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉल्स जितनी जगह थी हम लोगों ने उतनी बनाई, फिर भी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि 50-1 स्टॉल्स और होती तो शायद। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे राजस्थान भर में बहुत जोश है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें किसी गुट और उसका तो कोई प्रश्न नहीं। एक बात जो अच्छी हुई है, जो मैं सोचता हूँ कि ये बात बहुत बार उठती है कभी कभी, कि जब ललित कला विजुअल आर्ट की जो अकेडमी है उसमें अगर विजुअल आर्ट का ही व्यक्ति होता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि हम अलग अलग जगह से थोड़ा से, ये थोड़ा संगीत के होने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि इनका नज़रिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ही इज नॉट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ विजुअल आर्टिस्ट, बिल्कुल एडवांटेज जी। और दूसरी ये बात जो मुझे जो लगती है, हालांकि हमारे ललित कला संकाय से निकले हुए हैं ये, तो एक बात जो थोड़ा सा जो अंतर संबंध की जो बात हो रही है ये वो हमारे ललित कला संकाय की देन है। मतलब अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। हाँ, मतलब उसमें क्या हुआ, ये खुद उसी फैकल्टी के विद्यार्थी थे और उस समय हमने शुरुआत ये भी की थी कि जो संगीत का विद्यार्थी है वो भी दृश्य कला के फंडामेंटल्स पढ़ेगा, तो ये बताएंगे अच्छे से। डेफिनेटली, हाँ, कि इसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ है। कि वो मुझे याद है कि वो अशोक वाजपेयी कहते हैं कि मुझे एक बात से बहुत शिकायत होती है कि मैं रविंद्र भवन में जब बैठता हूँ तो जब मैं डांस होता है तो मैं जाता हूँ, नाटक होता है तो मैं जाता हूँ, लेकिन उसने उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ गैलरी में एग्जीबिशन होती है तब तो ना संगीतकार होते हैं ना नाटककार होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, ये जो एक संस्कार है कि हमें सभी कलाओं को पूरी महत्व देना चाहिए और सभी को तवज्जो दे करके सब में शामिल होना चाहिए। मैं दवी साहब आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, जो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह राजस्थान में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कलाएं हैं, चाहे हम किशनगढ़ शैली की बात करें, चाहे हम उस्ता कला की बात करें, चाहे हम जैसलमेर की बात करें, चाहे हम कहीं अलग अलग ज़िलों की बात करें, कहीं ना कहीं वो ये कलाएं कुछ कम होती नज़र आ रही हैं, कुछ लुप्त होती नज़र आ रही हैं। तो इस तरह के जो कलाकार हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए सर, लुप्त होती हुई क्या होता है कि आर्ट इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिव जी। यानी जो आज मैंने कुछ काम किया है ये ज़रूरी नहीं कि 5 साल बाद वही काम रिपीट हो, तो ऐसा लगता है कि वो आर्ट लुप्त हो रही है। अगर आप उसको लुप्त होती हुई आर्ट को कहेंगे तो वो आर्ट नहीं हो, क्राफ्ट है जी। आर्ट इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिव, हर एक व्यक्ति का सोच है, अगला व्यक्ति आएगा वो उसी शैली के अंदर कुछ और नवीन रचनाएँ लेकर आएगा, तो वो प्रोग्रेशन की वजह से आपको ऐसा भ्रम होता होगा कि वो लुप्त हो रही है, प्रायः ऐसा होता नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा इसलिए जरा अलग जा रहा है कि जब हम ललित कला की परिभाषा इतनी व्यापक कर रहे हैं तो विजुअल आर्ट में जितने आर्ट हैं वो तो सब सम्मिलित होंगे। नहीं, उनको शामिल शामिल को भी कला का दर्जा, उनको शामिल करने के लिए क्या प्रयास जारी है? अभी तो इब्तदा है, शुरुआत हो रही है, इन अभी सब मसलों को धीमे धीमे संभालेंगे। नहीं, हमने जो कला मेला किया है इसमें मिनेसर का भी रखा है, सब लोगों को हमने इसमें जोड़ा है, शामिल हैं वो, शामिल हैं, ऐसा नहीं है, स्टार्स मिनेचर की भी स्टार हैं। विनय जी, एक मेरे और सवाल जहन में आ रहा है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक पहले जो कलाकार होते थे, क्योंकि गॉड गिफ्ट कलाकार, गॉड गिफ्ट कोई बनाया नहीं जाता, वो गॉड गिफ्टेड होता है,
तो आपने भी देखा है कि आजकल जो युवा आ रहे हैं वो व्यावसायिकता की दौड़ में ज़्यादा जा रहे हैं, वो अपनी कला की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, जो मार्केट में क्या चीज़ सेल हो रही है, क्या चीज़ बिक रही है उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, इस भौतिक युग में खासकर जब सुविधाएं और ये चीज़ें होती हैं तो हर आदमी चाहता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हों, और वो चीज़ें कब हों? जब पैसा हो। तो कला को भी एक व्यवसाय का रूप मिलने लगा, और उसकी वजह से युवाओं में दौड़, एक अजीब सी दौड़, एक वो दौड़ नहीं जिसमें मेहनत के साथ होती है, वो पाने के लिए कैसे पाएँ उसको जी, तो छलांग लगाते हैं, तो उससे कई बार कला को थोड़ा सा नुकसान होता है। और दूसरी बात ये थी कि कलाएं लुप्त कभी कलाएं होती नहीं है, समय के साथ जीवंत होती है। धर्मी साहब ने भी जैसे बताया, और उसका एक दायरा बढ़ता है, मतलब उसी में से निकलती है, उसी में से एक जी पंख, एक पंखुड़ी निकल कर वो आगे बढ़ती है, तो ऐसी कला आगे बढ़ती है। नीचे वाली कला को हम लुप्त, नीचे वाली पंखुड़ी को हम लुप्त नहीं मानते, वो भी अपना अस्तित्व बनाए रहती है। इसमें भी माहौल बनाने वाली बात है, होता हुआ क्या है कि विदेशों में क्या हुआ है कि कलाकारों का प्रोडक्शन तो होता ही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ इंस्टीट्यूशन से निकल रहे हैं, हाँ समाज में भी कला के प्रति जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा हमसे, हमारे यहाँ से अलग है। हमारे यहाँ किसी को नौकरी में अगर बोनस मिलता है तो वो कहीं इलेक्ट्रॉनिक खरीदता है, वहाँ वो जाकर के पेंटिंग खरीद के लाता है, जो मैंने जितने अभी तक मेले देखे उसमें 90% काम ऐसा देखा है जो कॉमर्शियल चीजें लेके एग्जिबिट किया है इन लोगों ने। लेकिन अभी जो कला मेला है हमारा कला मेला, इसमें ऐसा आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल डेकोरेशन डेकोरेटिव काम बिल्कुल नहीं दिखेगा, आर्टिस्टिक काम दिखेगा, और आप जो लोग आज तक कहीं छिपे हुए थे वो सामने आए हैं, और बिल्कुल आर्टिस्टिक, बिल्कुल प्योर 100% आर्टिस्टिक वर्क, तो वो पहली बार ही देखने को मिलेगा। दलित साहब, चलते चलते आपसे जाना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों को, युवा कलाकारों को, और दूसरे जो कलाकार इस समय आपको चैनल पे देख रहे हैं उनको। सबसे पहला तो जैसा मैंने बताया कि ये कला मेला कुछ विशिष्ट होने वाला है, ऐसा सब लोग का मानना है, तो इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लें, उसका पार्ट बने, कुछ सजेशंस हो सकते हैं तो वो दें। कलाकार बेसिकली एक समाज को निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है, तो मेरी जितने कलाविद हैं, कला विद्वान हैं, कला योगी हैं, कला साधक हैं, उनसे भी कला प्रेमी हैं, इन सब से यही संदेश है कि आप किस तरह का समाज निर्माण चाहते हैं उसकी चिंता जहन में करें और अपनी कला के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करें, तो ये एक छोटा सा संदेश है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि 20वां कला मेला अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचे और जो आपका उद्देश्य है वो पूर्ण हो और समाज को एक नई दिशा मिले। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।